हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार सबको मैं प्रणाम करती हूँ और फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपनी एक नई वीडियो में और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो आज की वीडियो की शुरुआत यहाँ पे सुबह के 11 बजे से हो रही है और धूप बहुत तेज़ लग रही है इस समय। तो आज सुबह यहाँ पे थोड़ा बारिश पड़ी थी, लेकिन ज़्यादा बारिश कहाँ हो पाई है, केवल गंदा गंदा हो गया सारा। और सुबह से मैंने झाड़ू पोछा किया, नाश्ता वगैरह बनाया। तो पहले मैंने बाहर सफाई कर दी थी और फिर मैं अंदर चली गई थी नाश्ता बनाने। और जब तक मैं बाहर आई तब तक हवा इतनी हो रही थी, इतनी तेज़ हो रही थी कि बारिश थोड़ा लगने लग गई थी, लेकिन बारिश रुक गई। और मन कर रहा था कि थोड़ा अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडक मिल जाएगी, लेकिन कहाँ हुई बारिश, जो हमारी मर्जी रहती है वो कहाँ होता है। आजकल यहाँ पे खेत का काम थोड़ा कम ही हो रहा है। तो कल परसों तक तो मैं जैसे नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के करीब बेटा तो पढ़ाई करता है और मैं अपने खेतों में चली जाती थी और थोड़ा टाइम पास हो जाता है, तो मुझे बढ़िया भी लगता है थोड़ा काम करने में। लेकिन आजकल थोड़ा सा काम कमी है क्योंकि प्याज भी अब हो गया है और बरसात की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं होगी प्लॉट में, क्योंकि यहाँ पर भरता है पानी, तो बरसात के लिए तो कोई तैयारी नहीं है। लेकिन अब अगले साल की तैयारी होगी। लेकिन जो थोड़ा सा यहाँ पे किचन गार्डन मेरा है, मैं उसको आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगाया था पिछले साल, हो गए इसको 6 महीने करीब, लेकिन अब जाके ये हो रहा है। 2 बार तो ये सूख गया था, लेकिन अब देखो इसमें कोंपले आने लगी है, अब हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे ये सीढ़ी पे रख रखा है और ये रेलिंग है, यहाँ से तो ऊपर ये जाएगा, तो अब अच्छा होने लग गया है। आजकल ये यहाँ से 8-10 दिन में यहाँ से बढ़ गया है, तो इतना हो गया है। तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ दिलासा मिल रहा है कि हो जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इधर के साइड की, जो ये गमले मैंने ऊपर रख रखे थे, तो एक बार बिल्कुल सारे सूख गए थे। मैं तो इनको फेंकने वाली थी, मैंने कहा नए वाले फूल लगाएंगे, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा बढ़िया होने लगी है। मैंने कहा चलो रख लेते हैं इनको भी। और यहाँ पर ये फूल जो है हमारे घर का भी गाँव का भी फेमस है ये फ्लावर, तो देखो कितने अच्छे से वो रखा है। तो 3 कलर में मैंने इसको ला रखा है, एक है रेड और ये है ये पिंक वाला और एक ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, पिंक ही बोल सकते हैं इसको, गाजरी कलर है ये। और एक ये वाला था, तो ये वाला सूख गया है, टूट गया है ऊपर से, वाइट कलर का है। तो अब दूसरे फूल इस पर आ जाएंगे। और बोलते हैं ना, जब मेहनत करते हैं ना, जो मेहनत से लगाए रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं उतने अच्छे। और यहाँ पर ये वाला गेंदा जो हो रखा है ये अपने आप यहाँ पर हो रखा है। गृह परिवेश में पिछले साल जब माला फूल लाए थे हम, तो वो फूल मैंने यहाँ पे डाले थे, तो देखो कितना अच्छा हो रखा है। तो किचन गार्डन में हो रखी है मूली, हरी सब्जी खूब हो रखी है, आजकल डेली हरी सब्जी खा रहे हैं। और ये इसको बोलते हैं चौलाई। और बीन्स देखो कितने अच्छे से हो रखी है, देखो। बैंगन की पौध लाई थी मैं, तो बैंगन पर भी फूल आने लग गए हैं देखो। एक बार ये बैंगन की पौध सारी सूख गई थी, लेकिन आजकल अच्छी हो गई है। यह है खीरा और कद्दू, कद्दू की बेल भी हो गई है और बीन्स भी तो फलियाने लग गया। ये देखो मौसम भी आज का आप लोग देख सकते हैं, सुबह थोड़ा बारिश पड़ी थी, अभी थोड़ा धूप होने लग गई है, तो देख सकते हैं आप लोग। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने आज क्या क्या किया, और आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अपनी मम्मी की याद भी आ रही है आज, और बेटी की याद भी आ रही है, क्योंकि अभी मेरी माँ और बेटी आए थे, तो आज सुबह वो निकल गए हैं। बेटी गई कल रात को, तो वो आज सुबह कॉलेज पहुँच गई, और माँ भी आज सुबह चली गई थी, 3:30 बजे गई यहाँ से। तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट मैक्स गाड़ी जो होती है वो आती है हमेशा यहाँ पे, तो वो यहीं पे लेने आई, तो माँ भी चली गई है। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज घर में, बिल्कुल सुनसान लग रहा है आज, और क्या करूँ, रोना भी आ रहा है मुझे, पर रहना तो पड़ेगा ही। आज में जब कोई बहुत दिनों तक घर में रहता है ना, कोई आता है घर में रहने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और माँ भी बोल रही थी कल की, जब मैं श्रीनगर से ऊपर गई तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने सोचा कि मुझे रोना आया, मेरे गला गला भर रहा था, और मैं सोच रही थी कि आज मैं वहीं रह लेती,
क्या कर सकते हैं, मन मर्जी तो नहीं कर सकते हैं ना, घर भी जाना ही होता है। और बुजुर्ग लोगों को गांव में ही सही लगता है, हालांकि गांव में तो नहीं रहते हैं वो, अगस्त में रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के मतलब क्या बोल सकते हैं, वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मतलब मुझे याद आ रही है, मतलब बुरा लग रहा है, जैसे मतलब सुन जैसे लग रहा है घर में। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा गाना गाऊंगी, दूर पर देश चो हे माँ ते म्यारे सो तू रोणी ना रे खुदेणी ना रे तू रोणी ना रे खुदेणी राजी खुशी चौमी एक तू भी राजी रही तक राजी खुशी चौमी एक तू भी राजी रही तक गोंगोला चिठी खोली मेरी सेवा सुनी बोली हे भूली ना जाई हे रोणी ना रे हे माँ ते ते न्यारे सो तू रोणी ना रे तू चिट्ठी दियोनी रे। अभी हो गया यहाँ पे खाना खाने का टाइम, और दिन के खाने में बना रखा मैंने कढ़ी भात और भुज्जी, और हरी सब्जी बना रखी है चौलाई की, तो गरम गरम लंच का मजा लेते। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।